Hello class, wishing you a very awesome good morning. Again we are here in our lecture number 30, chapter number 2, and the lesson name is Principle of Management. Principle of Management, you people are thinking that from very beginning studying business study, business study, don't worry about that. Let me complete this chapter. If chapter complete ho jata hai, to fir main aapko I will start the economics one. You have to just have a patience yourself कि आपका course सिर्फ business का चल रहा है और economics का accounts का नहीं चल रहा है, वो भी सब system से चलेगा account values के लिए। आज हमारा topic है importance of management principle. Importance of management principle का हमारा जो topic है बेटा, उसको हम समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हमारा जो previous topic था उसमें क्या था, management principle versus management technique था ना, management principle versus management technique था। उससे पहले हमारा क्या था, management principle versus pure science। उससे पहले हमारा क्या था, management principle versus pure science था ना। उससे पहले हमारा जो टॉपिक था management principle versus pure science था। अभी हमारा जो टॉपिक है importance of management, मेरा जो टॉपिक है importance of management principle, principle का management जो management principle है उसके importance क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं, उसके features क्या होते हैं या उसके use क्या होते हैं, वो हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। इससे पहले हमारे लोग का जो टॉपिक था वो management technique versus था management principle था। अब आते हैं हम लोग, पहला पॉइंट है providing manager with useful insight into reality. Providing manager, ये आपका टॉपिक है, providing manager with useful insight into reality. आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, providing manager with useful insight into reality. आपके एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, लॉन्ग फॉर्म में भी आ सकता है। जब लॉन्ग फॉर्म में आएगा तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, जब शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो आपको बस ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, इसका मतलब होता है कि मैनेजर को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए मिल जाती है जो उसके ऑर्गेनाइजेशन की इनसाइड स्टोरी ऑफ रियलिटी होगी। एग्जांपल हमने पूरा जैसे आपको एग्जांपल इसका दे रहे हैं, इनटू रियलिटी। इनटू रियलिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए या फैक्ट्री ले लीजिए, उसके अंदर क्या वर्क हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में प्रोवाइडिंग अ मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, पावरफुल नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फेल्ड है। हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फेल्ड है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस का मतलब आपके क्लर्क हो गए, ऑफिशियल हो गए, आपके अकाउंटेंट हो गए, आपके बिजनेस के मैनेजर्स हो गए, आपके कंट्रोल होल्डर हो गए, इनका जो कंट्रोलिंग पावर है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए उनके अंदर, तभी आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल वर्क करेगा। इसे हम कहते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कोई पूछे सर व्हाट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यू कैन से डायरेक्टली इट इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन सिस्टमेटिक आइडिया और सिस्टमेटिक ऑर्डर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है उसको समझिएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास, उस रिसोर्सेज से अगर हमें कोई 10 प्रोडक्शन करना है, 10 प्रोडक्शन करना है, तो
what is the importance of management in business study, principle of management topic. You can say directly providing manager with useful insight into reality. Manager को हर information को provide करनी चाहिए जो reality होनी चाहिए. Effective administration, administration हमारा effective होना चाहिए, powerful होना चाहिए. उसको देख करके लोग work के performance लाए. Next, optimum utilization of resources. Resources बिल्कुल हमेशा अच्छे से utilize करना चाहिए. अगर production power 10 है तो हम उसे 11 में increase कर ले. Next आया second last topic आया fulfilling social responsibilities. Fulfilling हद की बेटा, कोई भी business आप करते हैं, कोई भी organization आप चलाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा एक social responsibility आती है. Social responsibility क्या होती है? Fulfilling social responsibility of management क्या होता है? Importance of management में मतलब समाज की वो desire, समाज को वो wants, वो needs आपको fulfill करना है, जो कि आपके लिए भी useful हो और society के लिए भी useful हो. Businessman का, management का समाज के लिए क्या responsibility होती है? वहाँ का atmosphere अच्छा बनाना होता है, वहाँ के लोगों को employment generation देना पड़ता है, employment create कराना पड़ता है, वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ता है? वहाँ के लोगों को better quality of goods provide करने पड़ते हैं, वहाँ के लोगों की बातों को मानना पड़ता है, air pollution को control कराना पड़ता है, सारे noise pollution को भी control कराना पड़ता है. तो ऐसे में क्या है, हर desire social responsibility को fulfill करती है. ये भी आपका क्या होता है, ये भी principle of management का topic आता है, importance of management. Next आया meeting changing environment requirement. Meeting changing environment requirement का मतलब क्या होता है बेटा? Important topic है, important topic है. You have to note down this all topic in your note copy. If you need the notes of this in detail, I will provide you later on. When you come to school, yeah, you should contact in the office. I will provide all the lecture notes in detail of business study with my own words. आपको समझ में आना चाहिए. Importance of management principle का ये topic है. ये chapter number 2 है. Lecture number 13 है. मैंने इससे पहले management principle versus management technique, management principle versus pure science and what is management we have discussed in detail in our previous lecture. Today we are discussing here about importance of management principle. We are discussing here importance of management principle. Point number 1 we have explained. We are in point number 5. What does the 5th point indicating? 5th point indicating us that meeting changing environment requirement. मतलब जो भी environment का requirement होता है, उसके ही according meeting आपका change होता है. उसके ही according meeting आपका change होता है. उसके ही according आपका system change होता है. उसके ही according आपका सारा system control होता है. अब example ले लीजिए. Environment की requirement है. Environment की requirement है. अभी present time एक example ले लीजिए. Mask और सैनिटाइजर ना, मास्क और सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट थी अभी रिसेंटली. अगर यहां पे आप फास्ट फूड प्रोडक्शन करते तो निकलता नहीं. जैसे ही एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट आई मास्क और सैनिटाइजर की, सारे कंपनी, सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट के हो, जब मार्केट में डिमांड बढ़ा सैनिटाइजर का और मास्क का बढ़ा, तो क्या हो गया? मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट. सारे बिजनेसमैन, सारे ऑनर क्या हो गए? उसी पे प्रोडक्शन कन्वर्ट कर दिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बनाने लगे. तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है. प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है. अब मैनेजमेंट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू नीड एंड वांट ऑफ environment requirement, otherwise his or her business cannot be run. If a environment requirement the material, you need to produce that material only. Sometimes environment may fluctuate, flexible, it can be changes due to climatical condition, due to some epidemic, due to many regions environment may change. You have to focus in the importance of management that we should control our all dependable changing environmental requirement. हमें इसके बेस पे, हमें इसके ब्याह पे काम करना है. समझ में आया बेटा? फिर से रिवाइज करते टॉपिक. कोई आपसे एग्जाम में पूछिए, कहीं भी पूछिए, आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यू शुड से यस आई हैव ऑलरेडी नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो एनीबडी कैन आस्क यू
उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करना चाहिए। समझ में आया कि बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? ये टॉपिक समझ में आ गया, मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इससे पहले आपने फीचर्स पढ़ा था, इससे पहले आपने कई सारे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट एंड क्यूरियोसिटी, मैनेजर को सारी रियलिटी बताना चाहिए, सारे लोगों को इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। मतलब अगर 10 की क्वांटिटी है प्रोडक्शन का तो 11 करने नौ ना करे, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करना चाहिए, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे चेंजमेंट को हमको देखना चाहिए। समझ में आ गया नहीं बेटा आपको? सारे टॉपिक क्लियर हो गए? आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए, कोई बात नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, इस चीज को देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इसका भी डिटेल, इस सारे पॉइंट का डिटेल नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जब नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो एग्जाम में अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपको सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। अगर शॉर्ट में पूछ लिया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, यू कैन डायरेक्टली इंडिकेट एनी पॉइंट अमंग दिस। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? ओके, नाउ हियर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बस 2 मिनट आपको और लेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक ही आपको क्लियर कर देंगे। अभी हमारा डिस्कशन है, देखिएगा, हमने देखा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है, हर जगह आपको मैनेजमेंट में मिलेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास 10,000 है, 10,000 है ना, 10,000 है। अब इस 10,000 में आपको 1500 गुड्स को प्रोड्यूस करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है। अब आपका मैनेजर आपसे कहेगा 10,000 रुपए है, इसमें से 1500 गुड्स बनाने हैं आपको। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपका रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, ये मनी आपका रिसोर्सेज है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको 1500 बनाना है। अगर आप 1500 की जगह 1450 बनाते हैं तो आपने यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज नहीं किया, आप फेल हैं। अगर आप 1500 की जगह अगर आप 1550 बना लेते हैं तो आपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज किया। इसी को बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया बेटा? समझ में आ गया, कोई बात नहीं। आपका लेक्चर नंबर 13 था, चैप्टर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए। आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। जहां नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम डाउट होगा वो भी कमेंट करिएगा, और आपका इकोनॉमिक्स और अकाउंट वेरी सून इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।